इस प्रकार की जो समस्याएं थी जिनका महाराज साहब द्वारा वचन पत्र में जुड़वाया गया और आश्वासन दिया, आज हम सभी उनसे अपील करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में संविधान के नियमितीकरण की जो लड़ाई है और इसका जो परिणाम होना है उसकी लहर गुना शिवपुरी जो संसदीय क्षेत्र से महाराज साहब के कमल कमलों द्वारा प्रारंभ हो, और हम अवश्य चाहेंगे कि महाराज साहब इसमें अगुवाई करें। हमारा पूरा संविदा संगठन और उन सभी 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लगभग 25 लाख सदस्य पूरे मनोयोग से श्रीमंत के साथ है और अंत तक इस लड़ाई में अपना सहयोग करेंगे। दोस्तों, मैं समय की बाध्यता देखते हुए अब यह मंच आदरणीय महाराज साहब को मैं सौंपना चाहूंगा कि वो इस वचन पत्र की समर्थ मांगों में मंच पर आसीन मेरे साथ सतीश निगम जी, नंद किशोर जी शर्मा, मुन्नालाल जी, युवराज, हमारे समस्त अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के सदस्यगण और मेरे भाई और बहन, ये मेरा आश्वासन है आप लोगों को कि कांग्रेस सरकार के द्वारा उनका क्रियान्वयन मैं जरूर करवाऊंगा। के 3 बिंदु हैं संविदा कर्मचारियों के लिए। एक तो है कि जो मानदेय है उसी पर नियमित किया जाए, ताकि हर साल जो अप्रेजल सिस्टम है उससे मुक्ति आप लोगों को मिल पाए। दूसरा मुद्दा है कि जो लोग निष्कासित हैं उनको विभिन्न विभागों के जो रिक्त पद हैं वहां उनको स्थापित किया जाए। और तीसरा है कि ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत में सहायक सचिव के पद पर स्थापित किया जाए। अब इन तीनों में से कौन से मुद्दे हमारे संकल्प पत्र में है वो मुझे देखना होगा, लेकिन जो भी मुद्दा हमारे संकल्प पत्र में है उसको क्रियान्वयन हमारी सरकार जरूर करेगी, इसका पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बिंद क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।